दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल चौर टेक्निकल के साथ। मैं हूँ सिर्फ माँ दुर्गा ने एक तिनके से तोड़ा देवताओं का घमंड। पुरानी कथाओं के अनुसार देवता और दैत्यों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में देवताओं की विजय हुई और उनके मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। सभी देवता स्वयं को श्रेष्ठ कहने लगे। जब माँ दुर्गा ने देवताओं को इस प्रकार अहंकार ग्रस्त होते देखा तो वे तेज पुंज के रूप में देवताओं के समक्ष प्रकट हुई। इतना विराट तेज पुंज देखकर देवता भी घबरा गए। तेज पुंज का रह जाने के लिए इंद्रदेव ने वायुदेव को भेजा। अहंकार से चूर होकर जब वायुदेव तेज पुंज के समीप पहुंचे, तेज ने उनसे उनका परिचय पूछा। वायुदेव ने कहा, स्वयं को प्राण स्वरूप तथा अति बलवान देव बताया। जब तेज स्वरूप माता ने वायुदेव के सामने एक तिनका रखा और कहा कि यदि तुम सच में इतने श्रेष्ठ हो तो इस तिनके को उड़ाकर दिखाओ। समस्त शक्ति लगाने के बाद भी वायुदेव ने उस तिनके को हिला भी नहीं पाए और ये बात जाकर उन्होंने इंद्र से बताई। तब इंद्र देवता ने उस तिनके को जलाने के लिए अग्निदेव को भेजा और अग्निदेव भी असफल होकर लौट आए। ये देखकर इंद्र का अभिमान चूर चूर हो गया और उन्होंने उस तेज पुंज की उपासना की। तब माँ शक्ति उस तेज पुंज से प्रकट हुई। उन्होंने इंद्र को बताया कि मेरे ही कृपा से तुमने असुरों पर विजय प्राप्त की है, इस प्रकार झूठे अभिमान में आकर अपने पुण्यों को नष्ट मत करो। देवी की बातों को सुनकर देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसके बाद उन्होंने देवी की आराधना की। दोस्तों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि जब भी कहीं से हमें सफलता प्राप्त मिले तो उस पर घमंड नहीं करना चाहिए, ना ही उस पर अभिमान करना चाहिए। हो सकता है वो सफलता किसी दूसरे के माध्यम से प्राप्त हुई हो। अगर ये कहानी आपको यूजफुल लगी हो और लगा कुछ सीखने को मिला तो इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए। इसी तरह यूजफुल कंटेंट हमेशा मैं आपके लिए आता ही रहता हूँ। जय श्री कृष्ण। तेरा दरबार मिला है, जब से मुझे ये